बच्चों, अभी तक आपने चैप्टर टू, जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड, उस पर टॉपिक पढ़े हैं व्हाट डू द डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। सेकंड टॉपिक व्हाट डू द वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी। ठीक है, अब जो हम स्टडी करेंगे वो बैलेंस डाइट के बारे में करेंगे। बच्चों, बैलेंस डाइट को संतुलित आहार भी कहते हैं। बैलेंस डाइट को संतुलित भोजन, ये क्या होता है? ऐसा भोजन जो हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो, जिसके द्वारा हम अनेक बीमारियों से बच सके, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, समझे नहीं? ऐसे भोजन को क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। ना ज्यादा ना कम, प्रॉपर अमाउंट फूड की। और बच्चों, ये ध्यान दीजिए कि बैलेंस डाइट का ये मतलब नहीं होता कि हमने खीर बनी है घर में खूब खाई, खूब संतुष्ट हो गए, पेट भर गया। इट इज नॉट बैलेंस डाइट। वेरियस आइटम ऑफ द फूड मेक द फूड बैलेंस, अर्थात अनेक भोजन, अनेक प्रकार के भोजन, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ मिलने से हमारा भोजन संतुलित होता है। जैसे मान लीजिए हमने शुगर यूज की, तो उससे हमें केवल कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। दाल यूज की तो मोस्टली प्रोटीन मिलेगा। तो थोड़ा थोड़ा हमें पर्याप्त मात्रा में वो सब भोजन इंक्लूड करने पड़ेंगे अपने फूड में, जिससे भोजन बैलेंस बन सके। तो बच्चों, यदि हम एक परिभाषा के रूप में हम यूज करें तो फॉर ग्रोथ, वृद्धि के लिए, एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य की मेंटेनेंस करने के लिए, है आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट। हमारी डाइट में वो सब न्यूट्रिएंट होने चाहिए। न्यूट्रिएंट का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन एक्सेट्रा, दैट आवर बॉडी नीडेड, जिनकी हमारे शरीर में जरूरत है, इन राइट क्वांटिटी, सही मात्रा में, ना ज्यादा न कम। एंड ऑल्सो कंटेन, और फूड में और भी क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए, रफेस, डाइटरी फाइबर कहते हैं जिसको, वो होना चाहिए। तो इसका मतलब एक हमारे ग्रोथ के लिए और हमारे हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए ऐसा भोजन जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी न्यूट्रिएंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? बैलेंस डाइट। तो बच्चों, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए। बच्चों, और आपको इसी में दो बताऊंगी बात कि कुकिंग, देखिए कुकिंग करना कंपलसरी है। जैसे रॉ पोटैटो ले लीजिए, आपको टेस्ट भी नहीं आएगा, डाइजेस्ट भी इजीली नहीं होगा। यदि आप उसको एक तरह से कुक कर लेंगे तो आपको एक तरह से सॉफ्ट भी हो जाएगा, टेस्टी भी हो जाएगा। तो कुकिंग करना जरूरी है, मगर कुकिंग के कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे कुछ विटामिन, कुछ मिनरल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कुकिंग में। जैसे विटामिन सी ज्यादा हीट की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए बहुत देर तक या बहुत समय तक कुकिंग करना, हीट अप करना अच्छा नहीं होता, कि उससे सम न्यूट्रिएंट जो है वो खत्म हो जाते हैं। जैसे विटामिन सी जो है वो ज्यादा हीट की वजह से नष्ट हो जाता है बच्चों। तो ये रहा कुकिंग के फायदे भी हैं और नुकसान भी है। फायदे तो ये कि जो फूड आइटम है वो सॉफ्ट हो जाता है, एक टेस्टी हो जाता है, और नुकसान ये है कि उससे हमारे न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंसी आ जाती है, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे विटामिन सी। नेक्स्ट है वॉशिंग। बच्चों, आप जानते हो कि भोजन जो है उसकी धुलाई करना जरूरी है। जैसे गंदगी लगी होती है, धूल है, मिट्टी है, है तो डर्ट वगैरह है, गंदी चीजें हैं, तो धोना तो जरूरी है। लेकिन ज्यादा धोने से, जैसे आपने सब्जियों का पेलअप किया, सब्जियों के छिलके उतार लिए और फिर उसको पानी में धोया, तो उससे बहुत सारे हमारे न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है। तो बहुत ज्यादा हमें वॉश भी नहीं करना चाहिए फूड को। तो अब ये रहा कि भाई किससे क्या कुछ फायदे भी हैं। जैसे कि चावल को आप बार बार धोएंगे बच्चों, तो इससे सम विटामिन से रिमूव हो जाएंगे, तो आप समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा,
बच्चों आज ये चीज बहुत देखने को मिलती है हमारे समाज में। आप देखते हैं कि जो ऑयली चीज हैं जिनके अंदर फैट होता है वो बड़ी टेस्टी होती है। अपने घर पर भी हम ऐसे फूड आइटम बनाते हैं जिनमें ऑयल ज्यादा हो या फैट ज्यादा इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि टेस्टी होते हैं बच्चों। तो अब ज्यादा फैट हमारी बॉडी में जाएगा, इतना यूटिलाइज होगा नहीं, इतना हम लोग काम करते नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फैट हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है और हमारी बॉडी में क्या हो जाती है बच्चों, फैटनेस, मोटापा बढ़ जाता है। और इस कंडीशन का क्या नाम है, ओबेसिटी। और बच्चों इसकी वजह से अनेक रोगों के शिकार हो जाते हैं, हमारे बॉडी में एक्टिवनेस नहीं रह पाती है, तो ये मोटापा भी हमारे लिए गलत होता है। तो अकॉर्डिंग टू अवर वर्क वी शुड यूज द फैट, नॉट वी शुड नॉट यूज द फैट है इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग अमाउंट, यानी कि हमें स्वाद लग रहा है फैट की चीजें तो हम खाए चले जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो फैट हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। ठीक है, प्रॉपर अमाउंट ही इसकी जरूरी होती है। ये रहा कि मोटापा भी बच्चों एक रोग में आता है, ठीक है, तो हमें फैट का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद देखेंगे आप लास्ट टॉपिक है 2.4 यानी कि चैप्टर 2 का फोर्थ पॉइंट, डेफिशिएंसी डिजीज। अभी जैसा आप जानते हैं कि बहुत सारी एपिडेमिक चल रही है, बहुत सारी एपिडेमिक चली हुई है बच्चों महामारी के रूप में, जैसे कोरोना आप जानते हो, तो ये इन्फेक्शियस डिजीज है ना। कुछ छूत की बीमारियां होती हैं, कुछ हवा से फैलती हैं, कुछ पानी से स्प्रेड होती हैं, है तो एक तरह से इन्फेक्शन टाइप की डिजीज, मगर डेफिशिएंसी डिजीज इनसे अलग है। डेफिशिएंसी डिजीज इनसे अलग है बच्चों, कैसे, ये भोजन में यानी फूड में किसी न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होती है, कोई विशेष, या उसके अंदर मान लीजिए प्रोटीन नहीं है या कार्बोहाइड्रेट नहीं है या मिनरल नहीं है या विटामिन नहीं है, तो ये फूड की कमी की वजह से, फूड के न्यूट्रिएंट की कमी से होती है, और ऐसी डिजीज का नाम है डेफिशिएंसी डिजीज। जैसे एग्जांपल, यदि भोजन में प्रोटीन की कमी है, किसी कमी है बच्चों, प्रोटीन की कमी से जो है क्या होगा, प्रोटीन से हमारी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगी, समझ रहे, स्टंट ग्रोथ। अर्थात यदि प्रोटीन नहीं है भोजन में तो स्टंट ग्रोथ हो जाएगी, अर्थात स्टॉप ग्रोथ हो जाएगी। फिर इसके बाद में एक और बात यह है बच्चों कि यदि यानी कि देखो डेफिशिएंसी डिजीज की परिभाषा क्या हुई, डिजीज दैट ऑक्योर ड्यू टू द लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि वो रोग जो किसी न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होते हैं लंबे समय तक, उन्हें क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज, जो मैं आपको पहले बता चुका। जैसे प्रोटीन की कमी से ग्रोथ ना होना, फिर शॉलिंग ऑफ फेस, आपका चेहरा सूज जाएगा, यदि प्रोटीन नहीं है आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, स्वेलिंग आ जाएगी फेस पर। फिर डिस्कलेशन ऑफ द हेयर, बालों का सफेद हो जाना है, जो ब्लैक कलर होता है उससे अलग कलर हो जाना, ये डिस्कलरेशन भी जो है आपका प्रोटीन की कमी की वजह से ही होता है। स्किन डिजीज अर्थात त्वचा संबंधी रोग भी इसी की वजह से होते हैं, डायरिया पेचिस भी इसी की वजह से। तो ये देखिए प्रोटीन की वजह से कितना, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे रोग हो गए। ऐसी कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, दोनों नहीं है, यानी प्रोटीन भी नहीं है और कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, क्या बताया मैंने, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही डेफिशिएंसी में आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि लंबे समय तक आप इनका यूज नहीं कर रहे हो तो ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, फिर वृद्धि होगी नहीं, स्टॉप हो जाएगी ग्रोथ, समझे, और द पर्सन बिकेम वेरी लीन एंड थिन, दुबला पतला हो जाएगा व्यक्ति, मर्तेलिया कहते हैं जिसको, नहीं तो वो हो जाएगा, यानी कि दुबला पतला हो जाएगा बहुत ही ज्यादा, और वो जो है इतना कमजोर हो जाएगा ही कैन नॉट मूव, यानी कि ही सो वीक टू मूव फर्दर, आगे चल नहीं पाएगा वो व्यक्ति, एक तरह से कमजोर हो जाएगा। तो ये रहा पूरा चैप्टर, बड़ा आसान है बच्चों, कि कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, फिर उनके टेस्ट कैसे किए जाते हैं, कौन सा कंपोनेंट कब मिलेगा, और इस तरह से ही जो है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन से रोग हो जाते हैं, है अर्थ ऑब्सिटी क्या है, और दूसरा ये है डेफिशिएंसी डिजीज, मैंने आप बताया कि पोषक तत्व जैसे विटामिन ए कमी से नाइट ब्लाइंडनेस जैसा रोग हो जाता है, कैल्शियम की वजह से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी रोग हो जाता है। तो ये सब क्या हुआ बच्चों, डेफिशियंसी ऑफ द
न्यूट्रिएंट की वजह से ये डिजीज होती है। तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है, और समझिए, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर 2।